जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में 10th पास के लिए बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है, मात्र 10th पास। दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, इस पोस्ट को आप भर सकते हो, मेल हो या फीमेल हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी, एज क्राइटेरिया और बेसिकली हम इस बारे में बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट पोस्ट है। दोस्तों अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली जो वैकेंसी निकली है वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आपकी जो पोस्टिंग होगी उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पोस्ट निकली है वो निकली है एमटीएस की और अपर डिवीजन क्लर्क की। सबसे पहले हम बात करेंगे एमटीएस की, जिसमें 15,000 आपको सैलरी मिलेगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल कम से कम, ज्यादा 27 साल, 10th पास चाहिए दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट कोर्स इसमें नहीं चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, इसमें 12th पास चाहिए दोस्तों, कम से कम 18 साल, ज्यादा 27 साल, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 15,000 सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों आपका बेसिक सवाल कि सर इसको जब हम अप्लाई करेंगे हमारी पोस्टिंग कहां होगी, तो आपको बता देता हूं पोस्टिंग इसमें है गुवाहाटी में इनिशियली। इसमें एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ बताया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट दिल्ली से आउट हुआ है लेकिन आपकी पोस्टिंग होगी गुवाहाटी के ऑफिस में। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा वहीं पर रहें, तो वो डिपेंड करेगा आपके कार्यकाल पे। अब इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का क्या फंडा है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं है किसी भी तरीके की, फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है, उसको प्रिंट आउट लेके उसको भर के उसको अपनी पीडीएफ बना के उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो वो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स का रखा है तो वो, एज क्राइटेरिया, आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ लगा के एक पीडीएफ बनानी है और मेल करना है दोस्तों krs.resource@gmail.com पे, इस पे मेल कर देना है। आपको सब्जेक्ट में लिखना है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस या यूडीसी, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा, इसमें आपका एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर भर देना। इसके बारे में बात करें उसकी लास्ट डेट की, 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, तो आप फॉर्म को भर देना जरूर। और दोस्तों और कोई सवाल है, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।